और मैं आपके साथ करूँगा। जी हाँ, आप जो है कदम कुमार के इलाके में यहाँ पे ये दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। काफ़ी लोग आए हैं और काफ़ी लोग घूमने के लिए एक्साइटेड है। उससे भी कई गुना बड़ी बात कि लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ सवाल होगा और कहीं ना कहीं वो भी लोग चाहते हैं कि किसी चैनल से जुड़े और किसी से बात करें। तो हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, अभी कदम कुमार पे हम लोग खड़े हैं। तो ये लोगों से राय जानते हैं कि इस साल का दुर्गा पूजा कैसा बीत रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो बिकने वाले सामान है वो लोग बेच रहे हैं, लोग खरीदने वाला आ रहा है। पहले अपना नाम बताइए, क्या हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद फैसल है। कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं यूपी के रहने वाले हैं, पटना में आए सिर्फ पौधान देखिए डोरमेट बेचने के लिए। ये सुना हूँ कि बहुत अच्छा मेला रहता है भैया, इसके लिए आया तो अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पर। कैसा लोग आ रहे हैं? हाँ, भीड़ तो अच्छा फिलहाल है आज की, देखिए कल का आप देखो क्या होता है। तो क्या हर साल आते हैं या इस बार? नहीं, हर साल आते हैं। तो हर साल के मुताबिक? हर साल के मुताबिक इस बार थोड़ा कम पब्लिक चल रहा है क्योंकि बारिश हो गया है, इसके लिए थोड़ा कम बिक रहा है। हाँ, और अभी बेचा बिक्री आदमी का पैसा नहीं है, पैसा रहेगा तभी ना लेगा भैया, इसके लिए हर जगह नुकसान हो गया आदमी का। नुकसान नहीं होता तो पब्लिक अपना पैसा खर्चा करता है। तो हर साल क्या आप लोग यहाँ आते हैं? हाँ, हर साल बराबर आते हैं। यहीं प्रॉपर पटना में रहते हैं? जी जी जी, प्रॉपर पटना में। तो देखा आपने, इनका कहना है कि वो पटना में रहते हैं और यूपी इनका घर है। ये लोग आए हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं डोर मेट बेच रहे हैं। कैसे है भैया? कैसे? 100 रुपये में दो है। 100 का 2? जी। तो ये डोरमेट बेच रहे हैं और 100 का 2 है। काफ़ी लोग आते हैं, खरीदारी भी बोल रहे हैं कि ठीक ठाक चल रहे, पर कहीं ना कहीं हर जगह न्यूज फॉर भारत की टीम जा रही है तो हर जगह एक ही सवाल सुनने को मिलता है कि पानी की वजह से कहीं ना कहीं इस बार का दुर्गा पूजा जो फीका पड़ रहा है, लोग उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं जुट पा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं घर से जो नहीं निकल पाते हैं और कहीं ना कहीं जो लोग घर से निकलना चाह रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे क्या इस बार का दुर्गा पूजा है। पर न्यूज़ फॉर भारत की टीम आपको दिखा रही है कि किस तरीके से पटना में दुर्गा पूजा चल रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कितने लोग कहाँ पे, कितना रश है, कितना ट्रैफिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैकेट में चिप्स बेचा जा रहा है। एक अंकल है, क्या अंकल कैसा चल रहा है? नहीं चल रहा है बाजार। नहीं चल रहा? क्यों? बाजारे नहीं है, जो माल थपिया है सब ऐसे पड़ा है, 200-300 रुपये बेचे हैं बस। बस पूंजी तक नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं लोगों का नाराजगी है कि इनका कहना है कि जो पूंजी लगाया उसका भी अभी तक नहीं निकल पाया है, सारा माल फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बारिश का असर है क्योंकि जो ये सब चीज़ खाने वाले जो युवा लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ खाते हैं और कहीं ना कहीं इनका माल फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग, जाहिर सी बात है, अगर पैसा लगाते हैं नहीं निकल पाता तो लोग दिक्कत में आते हैं। पर खास से जो पटना का हर मार्केट में आवाज़ सुनाए देखने को मिलता है वो इसका मिलता है। इसका आवाज़ कुछ अलग ही अंदाज में होता है, जो लोग बजाते हैं वो भी कुछ अलग न्याय में बजाते हैं। फिलहाल हम बनाने वाला से बात करते हैं, कितने का है बाबू ये सर? टोटल 3000 का है। नहीं, एक पीस कितने का है? 10 रुपये का है। क्या लग रहा, कितना बेचे हो गए? अभी लगभग 2000 का बेच दिए। 2000 का बेच दिए। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, हर साल के मुताबिक। हाँ, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये एक ऐसा चीज़ है जिसका आवाज़ आपको दुर्गा पूजा के हर पंडाल में, हर गली में सुनाई देता है। और कहीं ना कहीं लोग खाना कम पसंद कर रहे हैं पर इसका आवाज़ ज़्यादा निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दो जगह हमको भी सुनने के लिए मिला है जिसका आवाज़ काफ़ी भयानक होता है, काफ़ी ज़ोरदार होता है। खास करके मैं भी हैरान रह गया था इसका आवाज़ सुन के, पता नहीं लोग कैसे, पर प्रशासन इसको बंद करके रखा है फिर भी लोग इसको बजा रहे हैं। जहाँ पे पुलिस नहीं होती है वहाँ पे लोग बजाते हैं। और कहीं ना कहीं फिलहाल हम आपको ये पंडाल दिखाना चाहेंगे कि यहाँ का जो कदम कुआ का पंडाल है वो किस तरीके से पंडाल बनाया गया, हर साल के मुताबिक क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया क्रिएट करने का कोशिश किया गया है। तो आप कहीं नहीं जाए, बने रहे न्यूज़ फॉर भारत का। आप तमाम रोड के इस साइड देख सकते हैं, हर तरह का ठेला, खाना पीना, फोटो, खिलौना, खास करके खिलौने छोटे बच्चे के लिए होते हैं, जो कि छोटे बच्चे आते हैं दुर्गा पूजा के माध्यम से घूमना चाहते हैं, खिलौना लेना चाहते हैं, उनके लिए फोटो, आइसक्रीम, खाने पीने सारा जुड़ा। लोगों से हम जुड़ेंगे भी, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है यहाँ कदम कुआं का पंडाल देखकर कैसा लगा। फिलहाल पहले मैं चाहूँगा कि आपको पंडाल दिखा दूँ, उससे पहले क्या भैया कैसा लग रहा है? सिंह वाला कितना बेचे अब तक? अब तक यही लगभग 30-40 को हमने बेच दिया भैया। अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, मेला भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हर साल के मुताबिक बहुत अच्छा, हर एक साल से अच्छा इस बार हमको लग रहा है, जा रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी जी।
तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं कोई नाराज भी है तो कोई खुश भी है। जिनका चल रहा है वो खुश है, जिनका दुकानदारी नहीं चल रहा है वो नाराज है, किन्हीं का पूंजी भी हुआ वो निकल नहीं पा रही है। कितना लोग हैं जो कहीं ना कहीं खुश है। आपको हम पंडाल दिखाना चाहेंगे कि यहाँ का पंडाल होता है काफ़ी अलग होता है, काफ़ी खूबसूरत होता है। आप देख सकते हैं लगता है ये आप पंडाल देखिए किस तरीके से पंडाल बनाया गया, इतने खूबसूरत पंडाल है बांस के बनाए गए। जो ग्रामीण लोग हैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया इस पंडाल को, और साफ तौर पर देख पा रहे होंगे यहाँ पंखा बनाया गया, और पंखे के साथ साथ देख सकते जो कहीं ना कहीं जो पंडाल है वो बिल्कुल गांव से रिलेटेड, हर साल का पंडाल यहाँ कुछ अलग होता है, पर इस बार का पंडाल काफ़ी खूबसूरत था। आप साफ तौर ऊपर देख सकते हैं कि तीन मूर्ति वाला, तीन मुंह वाला विष्णु भगवान का है, और उसके नीचे ये बांस का पंडाल, उल्लू, और सेफ्टी के लिए फायर बॉक्स का भी इंतजाम है। कुछ लोगों से जानेंगे कि उनका क्या करना है, कहाँ कहाँ वो घूले और कैसा उनको फील हो रहा है इस दुर्गा पूजा में, और लोग क्या कहना चाहते हैं। तो आइए एक भैया सवाल, कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम राजा बाजार से आए हैं। राजा बाजार कहाँ कहाँ घूमे? पूरा राजा बाजार घूम लिए, इधर बंगला इधर घूम लिए। सबसे अच्छा कहाँ का पंडाल लगा? सबसे अच्छा यहीं का लग रहा है। यहीं का लग रहा है। कहाँ कहाँ जाना है? और जाना है उधर पटना सिटी तरफ जाना है। सिटी तरफ तो क्या लग रहा है हर साल के मुताबिक इस साल दुर्गा पूजा? इससे थोड़ा सा भीड़ कम है। भीड़ कम है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। तो कहाँ से लिया है सिंह? ये तो बगल में ही खरीदे हैं। कितने का दिया? ये तो 30 रुपए में दिया है, 30 रुपया में। मजा आ रहा है? हाँ, खूब मजा आ रहा है इस बार तो। आ रहा है खूब मजा आ रहा है इस बार तो। देखिए साफ तौर पे जो युवा लोग हैं कहीं ना कहीं वो घर से बाहर निकले और उनका खुशी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से खुश है। फिलहाल यहाँ पे काफी कंजेस्टेड है, धक्का मुक्की भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो गाड़ी आ रही है, गाड़ी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत। कहाँ जा रहे भैया? अनिशा बातचीत को रहा। कहाँ कहाँ घूमे? बोरिंग रोड, राजा बाजार, फिर अभी यहाँ पे डायरेक्ट हैं। कैसा लग रहा है इस साल का दुर्गा पूजा? इस साल का दुर्गा पूजा अच्छा लग रहा है, और पटना में बाढ़ होने के बावजूद भी इतने संख्या में लोग आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है पटना के लिए। हम लोग भी पटना खालसा एड से हैं, कंकड़ बाग, राजेंद्र नगर, हर जगह जा जाके लोगों को खाना पहुँचाए। नहीं उम्मीद नहीं था इतना अच्छे से मनाया जाएगा, लेकिन इस बार मनाया जा रहा है तो ये देखिए खुशी हो रही है। खुशी हो रही है जी। तो देखा यहाँ पे लोगों को खुशी वगैरह, कुछ और लोग हैं यहाँ के कार्यकर्ता तो नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं, कुछ और लोग हैं उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए और कितना देर और उनको पटना के मार्केट में रुका। कहाँ से आ रहे हैं भैया? कहाँ से आ रहे हैं? पूरा पटने में तो घूम रहे हैं। पटने में कहाँ कहाँ घूमा आपने? एग्जीबिशन चौड़ाहा, सारे रोड घूमते हुए आए हैं। तो सबसे अच्छा पंडाल कहाँ का लगा? देखिए ऊंचा ऊंचा तो बहुत जगह पंडाल बना है, लेकिन इसका जो कलाकारी है और इतना बेटर पंडाल अभी तक मैंने नहीं देखा। हर साल के मुताबिक बहुत बढ़िया बढ़िया, ऐसा पूरे पटना में नहीं है, बस इतना जानते हैं। बनाने के लिए फोम से, कपड़ा से बहुत जगह बना हुआ, लेकिन इसमें जो बना है, जो भी कारीगर बनाया है, उसको वाकई तारीफ करने लायक। तो देखा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ का पंडाल का हर साल का नज़ारा कुछ अलग होता, इस साल भी कुछ अलग टाइप से पंडाल बनाया गया, लोग तारीफ कर रहे हैं। तो फिलहाल आप कहीं नहीं जाइए, बने रहिए न्यूज़ प्रभारत के साथ। ठीक है, यहाँ इसके बगल में ही एक और पंडाल है, वहाँ पे हम आपको लेकर चलने का कोशिश करेंगे, वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि वहाँ किस तरीके के लोग आए हैं और किस तरह से मजा कर रहे हैं और कितने लोग उपस्थित होंगे। तो आप कहीं नहीं जाइए, बने रहिए न्यूज़ प्रभात के साथ। आप यहाँ पास में देख सकते हैं एक पंडाल है, आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक पंडाल है, वहाँ पे शंकर का ऊपर प्रतिमा बना हुआ है। और आइए दिखाते हैं आपको पंडाल चल करके किस तरह का पंडाल है और कितने लोग जुट रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे जैसे रात ढल रही है वैसे वैसे पटना के रोड पर लोग का चहल पहल बढ़ रहा है, लोग कहीं ना कहीं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ये न्यूज़ पर भारत आपको हर जगह तमाम जगह का तस्वीर दिखाते आ रही है, और जो भी न्यूज़ पर भारत की ओर से है वो तमाम पंडाल दिखाएगी आपको। आप कहीं नहीं जाए, बने रहे न्यूज़ पर भारत के साथ। फिलहाल आपको हम ये पंडाल दिखाना चाहेंगे और उसके बाद हम आप यहाँ का प्रतिमा दिखाएंगे। तो आप उनको पहले पंडाल दिखाते हैं, उसके बाद प्रतिमा दिखाएंगे। तो